लगनी चाहिए कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं जैसे जिंदगी भर ऐसे ऐसे बिताया है अपना घर गृह दुनियादारी में जीवन को भी ऐसे लगा। नहीं, सबसे पहले उठ करके सवेरे नहा दो, क्या करना नहाना, पहले तिलक लगाना, सारे काम को पीछे रख लेना। ये तिलक को साधारण मत समझना, ये कोई ऐसे लगा दिया नहीं, जैसे सधवा स्त्रियाँ जब तक नहा करके सिंदूर नहीं लगाते ना मांग तो पति को सामने नहीं जाते, खाली कपाल में पति को सामने नहीं जाती, तो उसको अपशगुन मानी, उसको अपशगुन विधवा मानी गई है। कि जगत के लिए तो हमने इतने लगा लिया, पति पति दो दिन बाद में जो खत्म होने वाले जान हाँ एक दिन खत्म होने वाले, तो हमारे जो असली पति के लिए हम क्या करते हैं कुछ नहीं, क्या हमारे शरीर में लगते हैं। इसलिए गले में कंठी तिलक और अपनी माला, इसलिए जब महाराज स्वयं कह रहे थे बस ललाटे तिलक अब नाश्ते, जब जमदूत ने कहा जम बाहर जी बोले देखो जो भजन नहीं करते उनको मेरे पास घिचड़ घिचड़ ले आना, बोले पता कहीं चलेगा, तब जम कह रहे हैं जैसे एक सधवा स्त्री कुछ चिन्ह है दिखता है, नहीं ये सधवा है हैं कुछ चिन्ह है, जैसे आप मांग भरते हो सिंदूर लगाते हो शंखा पहनते हो मंगलस तो कुछ चिन्ह है जिससे पता चल जाता भैया इनका पति है ना। कहते उसी तरह जब महाराज करे मेरे जो भजन करने वाले उनके अंदर में भी कुछ लक्षण होता है। देखो ये श्लोक है बोले ललाटे तिलक तब ललाटे तिलक लगाते, लेकिन हम शर्म लगता है तिलक लगा नहीं, शर्म नहीं। अब भगवान कृष्ण को देखो कहीं फट लगे कृष्ण को तिलक है कि नहीं, भगवान राम को देखो तिलक है कि नहीं, भगवान नारायण को देखो उनका तिलक तो इतना बड़ा आधा मुँह तो भगवान नारायण का तिलक में बड़ा होगा, हनुमान जी को देखो तिलक है, कोई भी देवता को आप देख लो कोई भी देवता को देख लो तिलक है। ये हमारे वैष्णव शास्त्र ने बताया तिलक जिसका नहीं है कपाल जो जिसका तिलक नहीं है वो क्या है, कभी शमशान शमशान हो ललाट नहीं वो ललाट शमशान सदृश है तिलक के वगैरह। शर्म नहीं करना, शर्म नहीं करनी। देखो हम घरे दुनिया क्या बोले कहता आप सही घटना सुना, बड़ोतर मेरे के शिष्य है वो कंप्यूटर इंजीनियर है सी है, उसको आदमी में 10-15 बच्चे लड़के काम करते हैं, वहाँ पर हमारी बड़ी गुर्जिका की शिष्य है उसने प्रचार किया, वो हमें तो बहुत तिलक लगा, अभी वो बहुत बड़ा सी है अभी उतना 15-10-20 बार रोज इतने शर्म लगता है तिलक लगा दुनिया में क्या ये बाबा हमारे साथ समझ रहे हो, अभी उसने क्या किया अभी उसने कभी कभी तिलक लगाया तो कभी बिठा देता है, लेकिन वो जो हमारे बड़े प्रभु जी थे वहाँ वो टोकते तिलक तिलक नहीं लगाया, अभी शर्म से तिलक लगाया तिलक लगा तो क्या हुआ उसको बड़े सी है उसको बड़ी बड़ी सी है, अभी उसने कागज़ में कुछ गड़बड़ी हो गई गड़बड़ी हो गया तो उसने सवेरे सवेरे उसको बोला कुछ चल दिया कुछ काम है कागज़ में कुछ गड़बड़ी हो गई, अभी सवेरे सवेरे जब तिलक लगाता ना वो स्पष्ट दिखता है, वो सवेरे तिलक लगाता पूरा अच्छा दिख रहा स्पष्ट रूप में दिख रहा था, ऐसे तिलक लगाता इसने बूंद नहीं तिलक का नियम ऐसे, अभी उसने वहाँ पर जो गया पूरा तिलक लगा हुआ था गंभीर तिलक था, उसको जब केवल उसने तिलक देख दिया ना उसका बड़ा ऑफिसर ने बोले नहीं तो जाता तो उसको तिलक की इतने कलर में कहते तिलक था, बोले भैया ये आदमी कभी जान बुझ कर भी गड़बड़ी कर नहीं सकता है क्योंकि ये बकद आदमी तिलक लगाया हुआ, बोले तू जा तू जा ये अनजान वगैरह तू जा, वो खुद बोलता है मतलब ये हमारे जो फरीदाबाद में हमारे जो है ना फरीदाबाद में हमारे जो गुरुदेव का जो शिष्य बिपिन नहीं जो डॉक्टर है जिनका बेटी का 3 दिन डॉक्टर है वो कथा आकर सुनाते माता जी, पर वो जो तिलक लगा कर बैठते हैं अपना ऑफिस में गला में कंठी तिलक, दूसरे जो डॉक्टर पास में रखी भी जाते नहीं लेकिन उसको कर्म इतने दी हुई है इतने क्यों उसको विश्वास करते ये कभी हमारे साथ में गलत काम नहीं करेगा और वो गलत करते भी नहीं, जो बीमारी सही बीमारी बताएंगे सही दवा बताएंगे सही दवा सही बीमारी बताएंगे, लेकिन दूसरे डॉक्टर क्या है उसको लीक रहता है छोटी बीमारी बड़ी बना देंगे, वहाँ जाओ टेस्ट करो वहाँ टेस्ट करो ये करो और इनका विषय निकालते, लेकिन वो गले में कंठी तिलक लगाते हैं डॉक्टर वगैरह बैठते हैं और उसके पास भी ज़्यादा लोग आते हैं क्यों विश्वास भैया ये भक्त आदमी है ये हमारे साथ में कभी गलत नहीं करेगा ये सही रास्ता दिखा इसलिए, और कोई अच्छे काम के लिए जाओ क्या बोलते हैं तिलक लगा क्यों विजय अच्छे काम शुभ काम ठीक है ना, इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करना शर्म नहीं करना, शर्म तो करनी चाहिए कोई गंदे काम की जी जी गंदे काम पर शर्म, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए ठीक है ना, देखो लगाती नहीं तिलक लगाती इसलिए
इतना मोटा नहीं लगेगा, पतला जैसे देखो हमको पतला पतला से तिलक लगेगा, ठीक है ना, पतले से तिलक लगाओ। और हम तिलक एक जगह पर नहीं, एक दो तीन चार ये 12 जगह पर, कि भगवान के 12 नाम है, तिलक नहीं भगवान के 12 नाम है ठाकुर जी की। भगवान तिलक रूप में हमारे 12 जगह पर ठाकुर का निवास हो गया। ये कवच का काम करता है, कवच जैसे कर्ण का शरीर में कवच था ना, जब तक कवच रहेगा उसको कोई नहीं मार सकता। तिलक कितने महत्व, कहीं आप जा रहे हो भाई अनहोनी होने वाले, तिलक लगा करके नहीं होगा तुम्हें, क्यों? भगवान तिलक रूप में तुम्हारे शरीर में बैठे हुए, भगवान तुमको रक्षा कर रहे करना, जाके राके साइया मार सके ना तुम, ठीक है? करना क्या, तिलक सबसे पहले तिलक लगाना, तिलक लगा करके और सारे दुनिया के काम छोड़ करके पहले थोड़ी भजन कर लो, ठाकुर जी आरती कर लो, भजन कर लो, ठाकुर जी से स्नान करा लो, ठाकुर जी की ठाकुर का स्नान अच्छे तरह से, कभी कभी दही में रगड़ करके ना, थोड़ी सी दही दही खट्टा होता है ना, रगड़ करके स्नान कर लो ना, ठाकुर का चमचमाते हैं, जैसे हम कभी साबुन लगाते हैं, ठाकुर को तो कभी कभी साबुन लगानी चाहिए। साबुन मतलब है ठाकुर जी को दही से क्या करो, उसको रगड़ करके अच्छे तरह से उसको करो, तो ठाकुर चमचमाने लगा। इसलिए सवेरे सबसे उठ करके तुम्हारे परिवार में कोई तो तुम्हारी मैया को तो पहले लोग क्या करते थे, 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे, है उठ करके पहले ठाकुर का स्नान कराना है ना, ठाकुर को पहले स्नान कराओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सवेरे सवेरे पूजा सेवा करते थे, सवेरे होने से पहले उनका सेवा पूजा खत्म होती है। पर हमारे सिंधु यही काम करते थे, यही यही करते थे, यही काम सारे को सारे तुम्हारी मैया को, मैया को सबको देखते सवेरे उठ करके सबके सब पहले यही काम करते थे। अगर सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हुए फिर कोई काम करना, बढ़िया बढ़िया, क्यों कहते ना मंगल भवन अमंगल है, सवेरे तुमने भगवान की सेवा पूजा भक्ति कर लिया, हरिनाम कर लिया, तुलसी में पानी दे दिया, ठाकुर जी को आरती उतार दिया, बस दिन भर फिर दिन भर अपना संसार का काम नहीं लग रहा। और भक्तों का संसार तो संसार नहीं, भक्त का संसार है वैकुंठ है, बोलो तो वृंदावन है, भक्तों का संसार बोलो तो वृंदावन, क्यों? जो कुछ करते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, रसोई बनाएगा तो ठाकुर सेवा के लिए, घर साफ करेगा तो ठाकुर का मंदिर ही सोच कर घर साफ करता है, हैं वो हर काम को ठाकुर जी की सेवा मान कर कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तब तक ये माया है, कब तक ये माया है, बोले जब तक भगवान, ब्रह्मा जी कहते जब तक वो भगवान के लिए नहीं करते, जब भगवान के लिए करे वो माया नहीं, वो माया नहीं, वो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की भक्ति है, ठीक है ना। इसलिए और जो ठाकुर जी से आरती है ना, एक चामर रखना, चामर जानते हो, हाँ ओके ओके, और एक मयूर पंख रखना, मयूर पंख ठाकुर जी उसको देख करके ना उनको राधा जी को भी बना होता है, और एक पंखा रखना प्रॉपर, इसलिए आरती करने का कुछ नियम भी होता है। जैसे देखो ठाकुर जी को जो पहले हम जगाते हैं ना, जैसे अब तुम जैसे घर को सामने जैसे ठाकुर जी है, ठाकुर जी ऐसे बंद करना, ऐसे बंद करना, जैसे ठाकुर जी शायद शयन किए, जब आप शयन करते हो कैसे शयन करते हो, घर बंद रहता कि नहीं, ऐसे नहीं तो पर्दा कहीं खुल जाएगी, नहीं, एक व्यक्ति जब शयन करते हैं बताया ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए, आत्मबद्ध। आत्मबद्ध का मतलब क्या है, ये चल रहा है, आत्मबद्ध का मतलब क्या, अपना जैसे, अपना जैसे, इसको कहते हैं आत्मबद्ध है। जैसे गर्मी का समय में हम गर्मी ठंडी चीज़ खाते हैं, ठंडी का समय में गर्मी चीज़ खाते हैं, गर्मी का समय पर पतला कपड़ा पहनते हैं, ठंडा का समय पर मोटा कपड़ा पहनते हैं, है ना, मोटा कपड़ा। इसलिए ठाकुर का सेवा आत्मबद्ध करनी चाहिए, इसलिए घर का जो पर्दा है ठीक लगनी चाहिए, घर का पर्दा ऐसे नहीं कभी खोल रहा है कोई आ जा रहे देख रहे, नहीं ऐसे नहीं, जैसे आप सोते समय कोई अगर घर में आ गए देख ले हमको डिस्टर्ब से होता है, उसी तरह ठाकुर को भी दरवाज़ा ऐसे उनका बंद होनी चाहिए पर्दा, जैसे कभी खुले नहीं, जब खोलने जाएंगे तभी पर्दा खुलेगी, क्यों? ठाकुर जी शयन कर रहे, ठाकुर जी शयन कर रहे। पहले मैंने कथा सुनाया था ना, जैसे क्या हुआ जो साखी गोपाल में ना, ठाकुर को साखी देने के लिए वृंदावन से चलते चलते वहाँ पर गए, अभी क्या ठाकुर को तो साइन देते हैं, ठाकुर को साइन देते हैं, लेकिन केवल कृष्ण पहले अकेले थे, अभी राधा रानी वहाँ है, कृष्ण का मन ही नहीं लगता है, बोले मेरी राधा नहीं, मेरे को अकेले खड़े कर दिए, राधा को अगर कृष्ण आता है, अभी कृष्ण का मन ही नहीं लगता। इतने में जो राधा रानी थी वो ब्राह्मण की बेटी बन गई, ब्राह्मण की बेटी बन करके आए, अभी ठाकुर जी को तो शयन कराते हैं मंदिर में, लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते हैं,
वो जाकर उसको बेटी को पास में उसको घर में सोते हैं, सोते हैं। अभी एक दिन क्या हुआ, मंगल आरती पहले ठाकुर चले आते हैं, एक दिन क्या हुआ ठाकुर थोड़ा ज़्यादा ही सो गए तो इसलिए नियम होता है जब पर्दा खोले ना पर ऐसे हटात नहीं खोले, ताली बजाओ नहीं तो घंटी बजाओ, क्यों ठाकुर पता नहीं क्या कर रहे नहीं कर रहे, ठाकुर जी क्या कर रहे नहीं कर रहे। इसलिए इतने में उसने क्या किया, जो वहाँ पर घंटा लगा हुआ था बैल बजाया, जब बैल बजाया लेकिन ठाकुर जी है नहीं घर मंदिर में, ठाकुर तो सो रहे उनको बेटी के पास में, उन्होंने जो बैल बजाया ना इतने में ठाकुर का नींद खुल गई, मैं तो घर में नहीं मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। इतने में ठाकुर जल्दी चले आए, जब जल्दी चले आए और आकर ठाकुर जी खड़े हुए, लेकिन जल्दी आए तो अपना बंसुरी वहीं पर छोड़ आए सोने की बंसुरी। सवेरे जब उन्होंने दरवाजा खोले देखे ठाकुर का हाथ में सोने की बंसुरी नहीं, पुजारी को हल्ला मचा दिया ठाकुर का सोने की बंसुरी कहीं चोरी हो गई, राजा सीआईडी लगा दिया देखो कहाँ पर सोने की बंसुरी चोरी है, पता लगाते 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 देखा वो सोने की बंसुरी उसकी बेटी को घर में, बोले देखो ये पूछता स्वयं सोने की बंसुरी चोरी कर ली और उन्हें हल्ला क्या मचा लिया बंसुरी चोरी हो गई। राजा बोले जेल में बंद कर इसको दुष्ट पुजारी, जेल में बंद हो गया। ठाकुर जी ने देखा गड़बड़ी मैंने किया और मेरे ससुर जी जेल में बंद हो गए मेरे ससुर जी जेल में बंद हो गए हैं। इतने में ठाकुर जी स्वप्न दिया राजा को, बोले महाराज आप तो मेरे को यहाँ अकेले खड़ गए, मेरी राधा रानी नहीं, राधा के बगैर मेरा मन ही नहीं लगा, इसलिए मेरी जो राधा है ना वो पुजारी की बेटी बन कर गया, मेरे को तो पुजारी यहाँ सुलाता है यहाँ नहीं सोता हूँ, जाकर उसको बेटी को पास में मैं सोता हूँ। और आपने जब पुजारी जब दरवाज़ा खोलने के लिए गया मैं सो रहा था वहाँ पर बेल बजाया जल्दी जल्दी आया तो बंसुरी मैंने वहीं छोड़ करके आ गया, उसने चोरी नहीं की। एक काम करो मेरे खजरा में जितने सारे सोने की गहना सब निकालो और उसका जो बेटी है ना उसको दुल्हनी बनाओ और उसको पालकी में बैठाओ और गाजे बाजा को साथ में उसको ले आओ और मेरे साथ में शादी कराओ, मेरे साथ में शादी कराओ। राजा स्वप्न देख कर बोले हाय रे हमने तो गड़बड़ी कर दिया, ठाकुर का ससुर जी को अपने बंद कर दिया जेल में, हैं ससुर जी को बंद कर दिया, फिर गए माफ़ी मांगे हैं ठाकुर जी मेरे को ऐसे स्वप्न दिया तुम्हारी जो बेटी नहीं वो राधा जी के अंश से जन्म ग्रहण की है और ठाकुर मेरे को ये बात बताए, चलो तुम्हारी बेटी को हम गाजे बाजे को साथ में दुल्हनी बना कर ठाकुर को साथ में शादी कराने ले जाते हैं। उसको हम जो ले आए ना घर में अंदर में चली गई, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, हाँ बंद हो गया। फिर जब दरवाज़ा खोले देखा बेटी अंदर में है ही नहीं, वो बेटी है नहीं अंदर। फिर उन्होंने राधा रानी को स्थापन किया, अगर कहीं पूरी आप जाओगे ना पूरी जब जगन्नाथ पूरी जाओगे तब जाएगी नहीं जगन्नाथ रथ यात्रा, चलो इस बार चलो अभी रथ यात्रा कुछ दिन बाद में आएगी आषाढ़ महीना में आएगी चलो, हाँ वो सब ठाकुर का दर्शन कर लेना और ठाकुर बैठे हुए दर्शन करोगे रथ के ऊपर में जगन्नाथ का दर्शन करना फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म बड़ी महीना रथ यात्रा दर्शन करना, इस बार चलो पूरा परिवार ले चलो तुम्हारी भी वहाँ सबको सब ले चलो, बोले चलो हम जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाएंगे, मैं भी जाऊँगा अभी से जल्दी जल्दी टिकट बना लो, हाँ नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा, फ्लाइट में बना लोगे तो यहाँ से सीधा भुवनेश्वर भी उतर जाओगे, फिर भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर है, अगर आप जाओगे ना मेरे को बोलना फिर हमें वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर जो घर आपके लिए हम वहाँ पर बुकिंग करते हैं, ठीक है चलो अभी देर नहीं करना, जिंदगी भर काम पर जिंदगी भर रहेगी, मरने का पहले तक हम कहें ये काम कभी तुम्हें पीछा नहीं छोड़ी, मरने का पहले तक ये काम खत्म नहीं होती, इसलिए समय रहते भगवान के अच्छे काम कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सबके सब अभी अभी फ्लाइट में 2-3 दिन पहले चलो जाओगे वहाँ पर थोड़ी सी आसपास का जो चीज़ है ना दर्शन कर लें, वहाँ पर चिल्का जाते हैं चिल्का हरत है बड़ा सुंदर है, डल्फिन है सार का, डल्फिन सार, हाँ डल्फिन वहाँ पर भी समुंदर है हमारे मंदिर के बराबर में समुंदर, जहाँ पर हमारा मंदिर है ना वो तो समुद्र वहाँ ये मंदिर यहीं पर समुद्र यहाँ मंदिर वहीं पर है, जगन्नाथ जी को वहीं पर आकर के जगन्नाथ जी रुके थे और हजार हजार लोग देखोगे वहाँ पर, इतनी पहले मंदिर को झाड़ू लगाते हैं जहाँ पर जगन्नाथ जी जाएंगे वहाँ झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व है, मंदिर में तो झाड़ू लगाओगे मंदिर में लेकिन तुम्हारे हृदय में झाड़ू लग जाते हैं,
भगवान की मंदिर साफ कर दो भगवान की मंदिर, लेकिन तुम्हारी हृदय में झाड़ लग जाती है, सारी खत्म हो जाती है। बड़ा आपको दिन वहाँ पर तो हजार हजार लोग जा करके झाड़ लगा रहे हैं। इस बार चलो ठीक है ना, सारे काम को छोड़ कर तो अभी से ये कर दो, अभी पहले से टिकट का बनाओगे ना बहुत कम पैसा, ट्रेन का पैसा प्लेन में मिल जाती है, दो तीन हज़ार रुपये में प्लेन में दो तीन हज़ार रुपये मिल जाती है। यहाँ से निकल जाओगे उसी दिन जा कर पहुँच जाओगे, और मैं भी बेंगलोर से वहाँ पर आऊँगा ठीक है। आज ही देख लो लेट में ये नहीं ठीक है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन कराएंगे। और ये जो महीना है ना पुरुषोत्तम महीना, जगन्नाथ जी नाम का अनुरूप है, जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम है, इसलिए इसी महीना में बहुत सारे लोग भी जगन्नाथपुरी हर मंदिर से भी बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ना, जगन्नाथपुरी। इसलिए ठाकुर जी कहाँ ये बता रहा था, ठाकुर जी को जब पट खोले थाली बजा कर पट खोलनी चाहिए, प्रॉपर रूप में ठाकुर जी के जो घर की जो स्क्रीन है वो प्रॉपर रूप में स्क्रीन लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कभी खुल जाता है जो जाते हैं वही ये कर रहे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी को एकदम अपना जैसे ठाकुर जी को सेवा पूजा होनी चाहिए ठीक है ना, सवेरे उठ करके ठाकुर जी को स्नान कराना ठीक है, अगर थोड़ी सी हो घर में रोज दूध रख लेना, कच्चा दूध उबला हुआ दूध, कच्चा दूध से ठाकुर जी को रोज स्नान कराने में उच्चरणा मिलता है। और बीच बीच में सात दिन आठ दिन अंतर अंतर में दही से थोड़ा रगड़ कर अच्छे तरह से पूरा जैसे अपना शरीर को साबुन लगा करके हम साफ करते हैं, ठाकुर जी को भी अच्छे तरह से रगड़ करके उसको एकदम साफ करना। और बाद में तिलक और जो सिंदूर लगाते हैं ना उसको द्वारा लास्ट में उनको पोछा लगा करके सिंदूर तिलक थोड़ा रगड़ दो ना, फिर ठाकुर जी में चमक आ जाती है, ठाकुर जी में एकदम चमक आ जाती है ठीक है ना, ऐसे करना है ठाकुर जी का सेवा। और ठाकुर जी को आरती कैसे करनी चाहिए उसका नियम है, ठाकुर जी को आरती कैसे करनी चाहिए, जैसे सवेरे उठ करके जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ होता है उसको हम उठाते हैं, घंटा बजा करके ना घंटे बजा करके उनको उठाते हैं, उठा करके फिर जैसे हम मुँह धोते हैं ठाकुर जी को जैसे मुँह धोते हैं, जैसे मुँह पूछते हैं पूछते हैं ऐसे करते हैं, फिर ठाकुर जी को जैसे आरती करते हैं ना, आरती करने का नियम है सबसे पहले जो धूप है ना वो धूप ठाकुर को सबसे पहले देनी चाहिए, बोले धूप कहाँ ठाकुर जी को घुमानी चाहिए, बोले उनकी चरण, उनकी चरण में पहले धूप घुमानी चाहिए है, फिर उसको बाद में फिर दीप, बोले दीप कैसे घुमानी चाहिए, बोले उनको चरण में चार बार घुमानी चाहिए चरण का तरफ, और उनका छाती को ऊपर दिखा कर दो बार करना उतने दो बार, अब ऊपर नहीं नीचे छह तीन बार ऊपर में दो बार ना, चरण चारी चार दूरी दो तीन, सर को ऊपर में तीन बार, सर प्यार में चार बार घुमाओ, बक्षस्थल में दो बार और मुंह में तीन बार, और पूरा शरीर में सात बार, पूरा शरीर में सात बार। अभी ठाकुर जी को आरती उतार दिया, हाँ आरती उतारना मतलब नज़र उतारना, ठाकुर जी को सवेरे धोए अभी उठे उनका नज़र उतार दिया है, फिर उसके बाद में ठाकुर जी को शंख होता है, शंख में थोड़े से पानी रख करके जैसे एक व्यक्ति उठने के बाद उसको मुँह को धोता है ना, ऐसे शंख पानी में किसी भावना रख करके ठाकुर जी को हम मुँह को हम धो रहे हैं, और पानी से नीचे शंख में छोटा शंख रखना जिसमें पानी शंख रहते हैं, फिर वो पानी को थोड़े से नीचे कोई पात्र में उसको डालना, जैसे एक व्यक्ति मुँह धोते हैं, फिर धोने के बाद मुँह को पोछते हैं, पहले एक रुमाल रखने का, और रुमाल से ठाकुर जी को मुँह को हमने पोछा दिया है, पोछा ला करके थोड़ा फूल होगा ठाकुर का चरण में थोड़ी सी फूल दे देना, दे करके जो चामर है ना चावल उसको जैसे एक व्यक्ति को हम हवा करते हैं, चामर से हवा करनी चाहिए, उसके बाद में एक छोटे से पंखा होता है ठाकुर जी को पंखा करते हैं, उसके बाद में मोर पंख दिखाते हैं, मोर पंख तो जो मोर है उसमें राधा जी का नाम लिखा हुआ, राधा जी की नाम लिखा हुआ है, इसलिए ठाकुर जी को जो मोर पंख दिखाते हैं ठाकुर जी को राधा जी की स्मरण आता है, श्री ईश्वर जी को उनको स्मरण आता है, इसलिए मोर पंख ठाकुर जी को दिखाते हैं, इसलिए आरती करने का ये नियम है, ये आरती करने का ये प्रॉपर नियम है, ऐसे ही कोशिश करना करने के लिए, धीरे 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 अपना जीवन में कुछ परिवर्तन आने चाहिए ठीक है ना। इसलिए सवेरे बैठ करके क्या करना, सवेरे बैठ करके थोड़ा गीता पढ़ना, जैसे नियम कर एक दो श्लोक पढ़ लेना है, नहीं तो भागवत ग्रंथ होगा एक ही अध्याय भागवत ग्रंथ पढ़ना,
देखो अम्बरीश महाराज थे, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राजत्व कर रहे थे, केवल भारत नहीं ये पृथ्वी के ऊपर इनका राजत्व था संपूर्ण। लेकिन जो राज कार्य को कथक ध्यान से सुनो, वो राज कार्य को स्वयं नहीं करते थे, वो मंत्रियों को देकर करवाया करते थे। लेकिन ठाकुर जी का जो भजन पूजा पाठ है वो दोनों पति पत्नी मिलकर करते थे। बोले कैसे करते थे? बोले सबई मन कृष्ण पदार विंदयो, बोले मन को कहाँ लगाते थे? बोले भगवान के चरण के चिंतन में। बोले कौरव हरीर मंदिर मार्जनादिशु, राज्य कार्य तो मंत्री से द्वारा कराया करते थे, लेकिन ठाकुर को सेवा नौकर से नहीं, ठाकुर का सेवा अपने हाथों से करते थे। करो मन दोनों हाथों से ठाकुर का मंदिर को साफ करते थे। बोले बादशाह से वैकुंठ गुणानुवर्णन, बोले बाक्यों को क्या करते थे? भगवान की गुणा कीर्तन। बोले काल को द्वारा, बोले सुत अच्युत तत् कथा, कानों से भगवान कथा सुनते थे। बोले प्यार से मंत्री परिक्रमा करते थे, तुलसी परिक्रमा करते थे, हैं परिक्रमा करते थे, सारे इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा रखे थे। बोले क्यों? कारण क्या? उनकी भावना है इस दुनिया संसार तो हर जन्म जन्म में हमें मिलता है, कौन सा जीवन में हमें इस संसार नहीं मिला? गधे कुत्ते सुअर बने तभी हमको सुअर सुअर परिवार हमें मिला है, लेकिन जो मानव शरीर है ठाकुर जी उसको बारम्बार नहीं देते हैं। ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में ये जीवन ठाकुर जी है, और ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा है। 84 लाख जो कि भ्रमण करते करते बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला, इसलिए इसी जीवन में भक्ति करते हुए हम संसार के बंधन से चिरकाल से मुक्त होकर के हम ठाकुर जी के पास में जा सकते हैं। इसलिए इसी जीवन को प्रभु की सेवा में लगानी चाहिए, राजकार्य स्वयं नहीं नौकरों के द्वारा ठाकुर की सेवा करते हैं। बोले यहाँ प्रश्न होता है, पहले इनका राज्य को कौन देखता था? देखो कितना सकते हैं, क्या भगवान जब देखा ये तो संपूर्ण सारे इंद्रिय सारे सेवा पति पत्नी मेरी सेवा में कर रहे हैं, ये मेरी सेवा में सारा दुनिया सारे सब कुछ लगा दिया, लेकिन राज्य को कौन देखेगा? भगवान सुदर्शन चक्र को देखे। बोले सुदर्शन चक्र जैसे इसके राज्य में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, तुम इसके राज्य को तुम देखभाल करना। सुदर्शन चक्र में राज्य को देखता था। दुर्वासा जैसे शंकर जी का अवतार वो आए तो उनको मारने के लिए चाहे राक्षस प्रकट की, सुदर्शन चक्र छठ प्रकट हो गया और राक्षस को मार डाला, और दुर्वासा को पीछा उसने किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर जी के पास में गए, विष्णु के पास में गए, कोई उनको रक्षा नहीं किया, कोई उनको रक्षा नहीं किया। नहीं, भक्तों को चरण में कोई अपराध करे हम कोई रक्षा नहीं कर सकते, तुमको उनको पास में जाकर के माफ़ी मांगना पड़ेगा, है उनके चरण में जाकर माफ़ी मांगना पड़ेगा, है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं जो ठाकुर जी को जो डायरेक्ट जो सेवा है ना उसको किसी को द्वारा मत कराएगा। घर का सारे काम दूसरे से करवाओ, सारे काम दूसरे से करवाओ, लेकिन ठाकुर को जो अपना सेवा है दिन भर अपना घर गृहस्थ में लगवा।
सब्जेक्ट पसंद आए थे, उसका नाम था राय रामानुज। एक बहुत बड़ी अच्छी तकनीक, ये तकनीक को अगर हम समझ जाएंगे हम तो यहाँ बढ़ती बढ़ती सब बराबर है। इसमें भगवान के पांच रस के बताए, एक रस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे क्यों श्रेष्ठ है, ये राय रामानंद संवाद में ये चीज पता चले। हमको भगवान को प्रेम तो करनी चाहिए, लेकिन प्रेम हमें कैसे करनी चाहिए, सखा का भाती ना नौकरी को भाती ना माँ की भाती ना भक्तियों को भाती, कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये तकनीक एक अद्भुत तकनीक, एक अद्भुत तकनीक है। इसलिए हम लोगों ने उनको सीखेंगे सवेरे सवेरे रोज आधा घंटा ये कथा सुनने के लिए, आधा घंटा सुनने के लिए। कल को हमने सुन किया था वो जो राय राधा के संपाद वो कौन थे, ये थे उसी समय उड़ीसा के गवर्नर, और उसी समय बंगाल बिहार उड़ीसा के थे, और उड़ीसा का मतलब वो स्थान इतना दूर पर था, वो कहीं दक्षिण पर कावेरी नदी है ना, वहाँ तक ये उड़ीसा ही वहाँ है, पूरा किसी जगह का ये गवर्नर कृष्ण लीला में कौन थे, भगवान जब इस जगत में आए अकेले नहीं, पूरा उन्हें अपना परिक्रमा को लेकर के इस जगत में आए, जगत को जीवन को भक्ति की शिक्षा देने के लिए। हम लोग उनको कथा सुन चुके थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा कर रहे थे जगन्नाथपुर के राजा का जो कोई संसार में नहीं बता जा रहा है, कौन थे अपने नए नए सार्वभौमाचार्य कौन, संपूर्ण भूमि में जो विद्वत आगे सर्वश्रेष्ठ पता चला ये भगवान ही है, तो उन्हें पानी पानी हो गए, महाप्रभु के सबसे बड़े प्यारे भक्त बन गए, सबसे बड़े प्यारे भक्त बन गए। अभी महाप्रभु दक्षिण यात्रा जब कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा प्रभु आप दक्षिण जा रहे ना, बोले हाँ, ये काम करना आपके लायक अगर कोई एक भक्त है जिसको साथ में आप प्रसाद साधन कर सकते हो, एक व्यक्ति से राय राम गवर्नर है और इतने विद्वान है और भक्ति रस शास्त्र की वो चरम परम ये है, अब जरूर उनसे एक बार मिले। लेकिन जब उन्हें स्नान करके आ रहे थे क्या सुंदर जो महापुरुष होते हैं ना उनके अंदर में 26 लक्षण होते हैं, छब्बीस लक्षण होता है,
लिए क्या लक्ष्य है। महाप्रभु को ने राधा कृष्ण दोनों मिल करके कलयुग में वो एक रूप लिए, राधा कृष्ण मिल करके वो अजान मतलब उनका जो हाथ है ना हमारे हाथ में तक आएगा, उनका हाथ गठन करेगा जानो तो उनका हाथ उनकी गले में त्रिवली पड़ा हुआ होगा, उनका नाक कैसे होगा सुख पति जैसे, हाथ कैसे होगी कमल हाथ जैसे दांत उनकी कैसे है जो अनार की दाना है ना ऐसे दांत होगा, होंठ कैसे होगी एकदम ना बिंब फल जैसे अंगूर कैसे होगी लेकिन स्प्रिंकल के तरह से अंगूर अच्छे से ऊपर की पत्ती होती है ना। उनको बताया कि अंदर में 26 लक्षण होता है महापुरुष का, अंदर देखा उनको क्या सुंदर रूप, अरे लाल कपड़ा पहने हुए थे गोल्ड वस्त्र लंबे चौड़े इतने सुंदर जैसे सूरज जैसे चमचमा रहे थे, और जो राय रामानंद वो साधारण के वैसे कुंडली के जन्म ग्रहण किए इनको आलिंगन करके रो रहे थे, और ये राय रामानंद कौन गवर्नर वो भी साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन ये कि सन्यास को देख कर ये क्यों आपस आपस में इतना आलिंगन करके रो रहे क्यों, अरे प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहा था मिलते हैं मिलने पर फिर वहां पर प्रश्न पर उत्तर यहाँ पर आप भगवत गीता को क्या है अर्जुन प्रश्न कर रहा है उत्तर कौन दे रहे हैं कृष्ण, अर्जुन प्रश्न कर रहा है उत्तर कौन दे रहे हैं कृष्ण, गीता क्या है बोले जो स्वयं कठिन अवश्य गीता सुविधा कर्तव्य की मन ये शास्त्र में प्रतिष्ठित रही जहाँ स्वयं पद्म नाभ से मुख पद्म इसलिए गीता क्या है साक्षात भगवान के मुख जिसके बारे थी वही जब अर्जुन कल सुन रहे थे राय रामानंद संदर्भ में अर्जुन लेकिन यहाँ पर भगवान प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर कौन दे रहे हैं भक्त भक्त उत्तर दे रहे हैं भगवान प्रश्न कर रहे हैं का प्रश्न किया बोले कह राय साध्यर नियम इसका मतलब है कि राय रामानंद तुम ये बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है जीवन भगवान ने जीवन दिया जीवन और हम उन लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन लक्ष्य को जो उन्होंने प्रश्न की तो उन्होंने उत्तर दिया बोले स्वधर्म आचरण विष्णु बंगला में इसको उत्तर दिया महाप्रभु बोले बंगला में नहीं संस्कृत में क्योंकि जब तक शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं दोगे मैं ये बोल रहा हूँ अब तुम्हारी बात का क्या महत्व बात महत्व भगवान हमारा वेद क्या बताया उपनिषद क्या बताया क्या बोल रहा भागवत क्या उनको उदाहरण दो उदाहरण दो क्यों बोले जब तक कोई शास्त्र का उदाहरण नहीं देते हो महाप्रभु कहते हैं सकल प्रमाण दिए पुराण बच्चन जब कोई चीज को आप उदाहरण देकर समझाओगे मैं कर रहा हूँ वो कर नहीं भगवान क्या कह रहे हमारे वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं उसकी महत्व है हमारी बात की महत्व क्योंकि
जीव के अंदर में चार दोष होता है। कितना दोष होता है? चार दोष क्या? ये चार दोष हमारे अंदर में होता है। मतलब होता है एक चीज को दूसरे एक चीज को दूसरे के जैसे कहीं जैसे कहीं आग लगी हुई थी अभी उसमें पानी पानी से बुझा दिया लेकिन अभी भी धुआं हो रहा है। क्या सोचें प्रमाद मतलब होता है प्रमाद अन्य मनस का और भ्रम मतलब होता है एक चीज को देखो दूसरे ज्ञान क्योंकि हमारे जो इंद्रिया है ना क्योंकि ये चार दोष है कर्णाकटक मतलब होता है इंद्रिया की अपटता मतलब है ये हमारा जो दीवाल को उस तरफ में क्या मुझे रास्ता में जा रहे हो रात को लेकिन एक रस्सी पड़ा हुआ प्यार में लगे अरे साफ 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 फिर बाद में देखा वो साफ इसलिए कहते हैं हमारी इंद्रिय में ये चार दोष हमारे इंद्रिय में होता है चार दोष होता है लेकिन जो शास्त्र जो बात क्या है जैसे जिसको ज्ञात है वो बोले बड़े बड़े ऋषि लोग बोले जिसको भगवान बोले इसमें कोई इसलिए उन्होंने बोले शास्त्र का प्रमाण दो तुम कह रहे हो बंगला में उसको ग्रहण योग्य नहीं है इसलिए शास्त्र क्या बोल रहे फिर उन्होंने बताए वर्णाश्रम आचार्य बता पुरुष परम कुमार विष्णु राधा दत्त पत्ता नानक ने बताए भक्ति कैसे मिलेगा तो भगवत प्राप्ति कैसे होगा पहले जब जीव जिस वर्ण और जिस आश्रम में जाए चार वर्ण चार आश्रम ये चार आश्रम जो जिस आश्रम और वर्ण में जन्म लिया है जो वो व्यक्ति अपना धर्म को ठीक ठीक रूप में जागरण करता है उसके द्वारा भगवान को अपना धर्म ये धर्म को हमें जागरण करनी चाहिए इसी से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए कृष्ण की ऐसे धीरे 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 जीव आगे बढ़े ये बात जो बताए महाप्रभु ने बोल दिया कार्य आगे बोले ये अंदर की बात ये बाहर है ये अंदर में ये बाहर की बात हो गई इसलिए उसके आगे और बढ़ो ना प्रश्न है तो महाप्रभु ने क्यों बोले ये बाहर का बात है अंदर और आगे बढ़ो कहते अगर कोई अपने वर्ण और आश्रम का धर्म जागरण करेगा तो उसको फल क्या है इसलिए शास्त्र ने बताया सुधर्म निष्ठ सत जन्म भी प्रमाण ब्रह्मा अगर कोई भी वर्ण आश्रम के धर्म को सही सही 100 जन्म तक अगर आपने पालन करोगे तो तीन दिन आप ब्रह्मा बन के प्राप्त होंगे आप ब्रह्मा बन जाओगे लेकिन ये ब्रह्मा बन करके भैया कब तक वो ब्रह्मा रहेगा जब तक तुम्हारी पुण्य नष्ट नहीं होगा तुम्हारी पुण्य नष्ट नहीं हो जाता पुण्य नष्ट हो गया ना इसलिए कृष्ण कहते हैं आप ब्रह्म भगवाना लोकात पुनराव अगर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है कब तक रहेगा बोले जब तक उसका पुण्य नष्ट नहीं हो जाए पुण्य नष्ट होने पर फिर वहां नहीं तो जगत का पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे नहीं कब तक स्वर्ग में रहोगे जब तुम तुम्हारी पुण्य का पुण्य होगी तुम तिरुनाम पुण्यम मर्त लोकम फिर तुम इसी मर्त जगत में आओगे फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र में तुम भटकते रहोगे जन्म मृत्यु का चक्र से तुम भी निकल नहीं सकते उसी में ही घूमते रहते रहोगे इसको उपाय तुम नहीं जान सकते इसलिए कभी जो स्वधर्म निष्ठ धर्म है कभी
सुनना सिंह वृंदावन बिहारी लाल की जय।